दोस्तों इस समय दोपहर का समय है, लगभग 1 बज रहे हैं और हमारे रूम का टेम्परेचर आप देख सकते हैं 33.8 डिग्री सेल्सियस है। तो मैं अपने एसी को ऑन करने वाला हूँ। 28 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको रखेंगे और 40% कैपेसिटी पे। आप में से काफी लोगों ने कमेंट किया था कि 40% कैपेसिटी पे इसको दिखाएं, तो मैं इस एसी को दोपहर के टाइम 4 घंटे चलाऊंगा और आपको दिखाएंगे कितना पावर कंज्यूम हुआ है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो 28 डिग्री सेल्सियस है, इसको हम 40% कैपेसिटी पर रन कराते हैं। तो 40% कैपेसिटी पे हमारा एसी जो है वो रन कर रहा है। अब हम देखेंगे कि कितना पावर कंजम्पशन यहाँ पर होता है। करंट पावर कंजम्पशन आप देख सकते हैं 568 वॉट के आसपास है। 725 हो गया अभी, तो कंप्रेसर जानते हैं थोड़ी देर बाद ऑन होता है, तो यहाँ 827 के आसपास पहुंच चुका है। तो 4 घंटे में देखते हैं कितना पावर कंजम्पशन यहाँ पर होता है। दोस्तों समय दोपहर का टाइम है, जो धूप है वो हमारे रूम पर टॉप से और वेस्ट साइड से पड़ रही है। तो यहाँ पर जो हमारा रूम है वो फर्स्ट फ्लोर पे है और 180 स्क्वायर फीट का साइज है और दो तरफ से सन से एक्सपोज है, एक टॉप से एक वेस्ट साइड से। तो यहाँ पर धूप जो है, जो ऊपर दोपहर के समय जो है काफ़ी गर्म होता है रूम, तो उस समय कैसा परफॉर्म करता है ये भी आपको आइडिया हो जाएगा। मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगा कि इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा कूलिंग के मामले में, और पावर इफिशियंसी भी आपको मालूम चल जाएगी कि अगर इसको हम 40% और 28 डिग्री सेल्सियस पर रन कराते हैं तो कितना पावर ये कंज्यूम करता है, वो भी दोपहर में। दोस्तों एसी को चलते हुए आधे घंटे हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि 0.3 यूनिट्स जो है पावर कंजम्पशन यहाँ पर है। करंट पावर कंजम्पशन अगर आप देखेंगे तो 686 वॉट यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा। और मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर मैक्सिमम कितनी यूनिट लिया है इस एसी ने, तो यहाँ पर मैक्सिमम 850 मैंने आपको दिखाया ही था, तो यहाँ पर 1000 के ऊपर नहीं गया है। आप देख सकते हैं 1000 के ऊपर जो है यहाँ पर पावर कंजम्पशन नहीं गया है। वैसे रूम का टेम्परेचर मैं आपको दिखाऊं तो 29 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर है और एसी जो है हमारा 40% पे यहाँ पर वर्क कर रहा है। तो लगभग 1.5 घंटे हो गए हैं एसी को चलते हुए, आइए देखते हैं कितना पावर कंजम्पशन यहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1.5 घंटे में लगभग 1 यूनिट जो है इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हुई है, तो 1.5 घंटे में 1 यूनिट। और करंट पावर कंजम्पशन अगर देखेंगे तो 686 वॉट यहाँ पर शो कर रहा है, तो 600 से 700 के बीच में अभी भी एसी जो है हमारा पावर कंज्यूम कर रहा है। शुरुआत में वही हाइएस्ट गया था 850 वॉट और 1000 वॉट के ऊपर अभी तक ये नहीं गया है। तो दोस्तों 2.5 घंटे हो चुके हैं और हमारे एसी ने कंज्यूम किया है 1.7 यूनिट्स। करंट पावर कंजम्पशन अगर देखेंगे तो 547 वॉट है, वही 600 वॉट के आसपास ही अभी तक पावर कंज्यूम हो रही है, इससे ज़्यादा ऊपर जो है वॉटेज नहीं गया हुआ है 40% कैपेसिटी पे। मैं आपको अपने रूम का टेम्परेचर दिखाता हूँ, तो 29 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर रूम का टेम्परेचर है। चलिए मैं आपको 4 घंटे बाद अब इसका रिजल्ट दिखाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 घंटों में 2.67 यूनिट जो है वो कंज्यूम किया है एसी ने। 4 घंटों में 2.67 यूनिट जो है कंजम्पशन है। और मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर जो पावर का जो आउटपुट है वो अगर देखेंगे तो 682 और 600 से 700 के बीच में ही रहा है, ठीक है। तो लगातार जो है हमारा जो एसी है वो 4 घंटे पूरा 600 से 700 के वॉट के बीच में रन किया है, ठीक है ना। और देख सकते हैं कि अभी के समय जो है जब 5:01 पे 12 वॉट पे आया है, जब हमने इसको ऑफ किया है तो वो स्टेबलाइजर मोड पे आ गया है, नहीं तो वो 600 से 700 वॉट के बीच में रन किया है। और यहाँ पर 4 घंटे में 2.6 यूनिट जो है उसने कंज्यूम किया है। मैं आपको और डिटेल में दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हमने स्टार्ट किया था 1 बजे स्टार्ट किया था, तो 1 से 2 के बीच में 0.65 यूनिट जो है कंज्यूम किया था। उसके बाद 2 से 3 के बीच में 0.67 यूनिट कंज्यूम किया था। उसके बाद 3 से 4 के बीच में 0.67 यूनिट वहाँ भी कंज्यूम किया था। और यहाँ पर 4 से 5 के बीच में वहाँ भी 0.67, तो 0.67 यूनिट जो है लगभग इसने कंज्यूम किया है पर आवर, ठीक है, अगर हम इसको यूज़ करते हैं 40% कैपेसिटी और 28 डिग्री सेल्सियस पे। ये दोस्तों मिनिमम एक तरह से सेटिंग है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0.67 यूनिट जो है मिनिमम कंज्यूम होता है अगर आप मिनिमम सेटिंग पे इसको चलाएंगे। अब ये दोपहर की बात थी, अगर रात में चलाएंगे तो हो सकता है कुछ ज़्यादा कम्फर्ट फील हो। तो फाइनली 28 डिग्री सेल्सियस और 40%
उस सेटिंग पे यहाँ पर 4 घंटे में 2.67 यूनिट जो है कंज्यूम हुई है। दैट्स इट दोस्तों। अगर बात करें फाइनल वर्डिक्ट की कि कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस जब मैंने एसी को 28 डिग्री सेल्सियस और 40% कैपेसिटी पर रन किया, तो दोस्तों ऐसा था कि दोपहर का समय था तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी ही, तो यहाँ पर एसी जो है उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा था 40% वाले मोड पे। जैसा कि नॉर्मली अगर हम 28 डिग्री सेल्सियस पे भी चलाते हैं दोपहर के समय, वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, उसमें आपको जो हल्की हल्की गर्मी है वो फील नहीं होती है। यहाँ पर हल्की हल्की गर्मी भी फील हो रही थी, जो हमारा रूम का टेम्परेचर है वो 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास था, 28 से नीचे नहीं आ पाया था। ठीक, हो सकता है अगर हम 55% 70% 80% 90% अगर हायर परसेंटेज पे चलाते तो हो सकता है बेटर परफॉर्मेंस यहाँ पर हमको मिलता, लेकिन 40% पे दोपहर में उतना अच्छा कंफर्ट यहाँ पर नहीं था। और हो सकता है कि यही अगर हम रात में इसी टेम्परेचर पे चलाएं, इसी परसेंटेज पे चलाएं, तो वो बेटर परफॉर्म करें। तो दोस्तों जो भी मेरा एक्सपीरियंस था मैंने आपके साथ शेयर किया। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।